वेरी मच मेरे साथ एक स्टूडेंट है, आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है परवेज अहमद सूफी। परवेज कहाँ से आप? मैं कश्मीर से। कश्मीर मतलब पुलवामा से, बहुत बहुत दूर से हैं ये भी। जम्मू से आप लोग साथ में हैं क्या? नहीं, अलग अलग है। ये 300 किलोमीटर दूर है। परवेज क्या करते थे आप? मैं सर टेक्नीशियन था एसी रेफ्रिजरेशन का। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉनिक इसमें मैंने डिग्री कर रखी थी लेकिन प्रैक्टिकल टोटल भी नहीं था। मतलब आप एक डिग्री होल्डर हैं? जी जी। पर आपने प्रैक्टिकल का ही काम नहीं किया? कभी नहीं किया। अब मुझे बताओ परवेज कि आपने क्यों एसआर टेलीकॉम को ज्वाइन किया? आपके वीडियोस तो पहले बड़े इम्प्रेसिव थे, लगता था कि यहाँ पे नॉलेज है। फिर यहाँ आके मेरा जो भी डाउट्स थे या जो भी मुझे प्रॉब्लम दिखती थी कि मैं प्रैक्टिकल नहीं किया है, वो सारा कुछ यहाँ पे आप लोग। आपने किससे बात की थी यहाँ आने से पहले? आपने मीर जावेद जी? हाँ, वो उड़ी से लड़का एक है, उससे मैंने क्या इन्होंने हमारा जो पुराने स्टूडेंट है उनका रेफरेंस दिया था जावेद। अगर जावेद देख रहे हो तो भैया ये बताइए क्या बात की थी उन्होंने, क्या बताया था आपको? उसने तो पॉजिटिव रिव्यू दिया तभी तो मैं यहाँ हूँ, कभी यहाँ पर है। अब बताओ डे वन से लेकर अब तक का अब परवेज में कितना फर्क है बताइए? आसमान जमीन की फर्क है सर। हाँ, आसमान जमीन की फर्क। यहाँ से लाइफ क्या क्या निकाला? सारा कुछ, पहले तो बिगाड़ी लेते थे पहले दिन में, मतलब जो भी नहीं पता था वो कन्फ्यूजन था। फिर आहिस्ता ऐसा लगा अब तो सारा कुछ। मैं पहले सोचता था कि मोबाइल कैसे, पता ही नहीं चला कि ग्राफिक्स नहीं भर रहा, वो नहीं भर रहा, ये कैसे आप डायग्नोज करें जी। आज का क्लास तो तकरीबन 95 तो क्लियर हो गया। मतलब मैं सोचता था कि अभी डिस्प्ले में लाइट नहीं है, अब क्या करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। तो आप लोगों ने स्पेशली सर आपने जो टिप्स वगैरह यहाँ पे दिए है उस पर तो हम डायरेक्ट टारगेट पे जाएंगे, जा सकते हैं। मतलब आईसी का डाटा सीट की बात करें, आपने आईसी निकाल के उसका डाटा सीट बनाया यहाँ पर लाइव? जी जी, बनाया है। यहाँ पर हर आईसीओ पे लाइव काम किया है यहाँ पर? जी जी किया। पावर सीपीयू और एक छोटे से छोटे कनेक्टर भी निकाला है क्या आपने? जी जी, प्लास्टिक कंपोनेंट्स बिल्कुल निकाला। चलो मुझे ये बताओ, ठीक है ये फाइनल रिव्यू नहीं है, फाइनल रिव्यू भी आपसे पूछा जाएगा। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर किसको आना चाहिए और यहाँ पे आने के बाद उसको क्या मिलेगा बताओ? सर जिसको स्पेशली वही आ जाए जिसको तमन्ना है सीखने की। हाँ जी। और हार्ड वर्किंग तो मस्ट है, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार भी था फिर भी 10-10, 12-12 घंटे काम करता हूँ। मतलब यहाँ हार्ड वर्क करने के बाद फिर हॉस्टल में रिव्यू वगैरह भी हो जाता है हमारा, मतलब जो यहाँ पढ़ते हैं वो शाम को हम आपस में डिस्कस करके फिर सुबह यहाँ जाना। आपने सुबह यहाँ आई थी तो कितने बजे क्लास दी थी यहाँ पे? सुबह क्लास कितने बजे चालू हुई थी? आज 8 बजे। आज सुबह 11 बजे। और अपन ने कब ब्रेक दिया था इसका बताइए? 5 बजे। मतलब इतने टाइम पे अपनी रनिंग क्लास चलती है, ये इतनी रनिंग क्लास को अटेंड कर पाना भी बहुत। यही बोल रहा हूँ कि हार्ड वर्किंग जो है वही यहाँ आ जाए, वही तो टिक पाएगा यहाँ पे। अच्छा, वही तो सीख पाएगा। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीखो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।